नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। इसी के साथ अब खबरें विस्तार से। कटनी पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार जैन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज केडिया के निर्देशन में बरही के नए थाना भवन में नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र के डीजे साउंड सर्विस संचालकों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में थाना प्रभारी बरही संदीप याची, नायब तहसीलदार चंद्रपाल इनबाती द्वारा डीजे संचालकों को साउंड सिस्टम के लिए शासन से जारी गाइडलाइन के बारे में बताया गया। बैठक में उपस्थित डीजे संचालकों को समझाइश के साथ थाना की तरफ से नोटिस भी दी गई, जिसमें दर्शाया गया कि दुर्गा उत्सव कार्यक्रम में डीजे साउंड पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश भी है। इसके अलावा रात्रि 10 बजे के बाद स्पीकर भी नहीं बज पाएंगे, आदेश का पालन न होने पर वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी। इस संबंध में बरही थाना प्रभारी संदीप याची का कहना है कि त्यौहार के पूर्व डीजे संचालकों की बैठक लेकर आगाह किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार एवं कोरोना गाइडलाइन के तहत डीजे बजने पर प्रतिबंध लगाया गया है। रात्रि 10 बजे तक स्पीकर साउंड बजाया जा सकता है। इस दौरान बरही थाना प्रभारी संदीप याची, नायब तहसीलदार चंद्रपाल इनबाती, आरक्षक अजीत सिंह, डीजे संचालकों में राजेश पटेल, मोहम्मद शाहिद खान, हरिओम गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, शिवम यादव, रवि पटेल सहित इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के पत्रकारों की उपस्थिति रही। बरही, नीरज तिवारी। सुमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार आज नवीन थाना भवन बरही में सभी बरही के और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी डीजे प्रबंधकों की मीटिंग ली गई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को बताया गया है कि जो आने वाला त्यौहार है, दुर्गा उत्सव का त्यौहार है, उसमें डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित है। कोरोना गाइडलाइन के तहत भी डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित है। मात्र एक साउंड बॉक्स रात में चलाने के संबंध में बताया गया है, जो कि 10 बजे के बाद वह भी अवैधानिक रहेगा। धारा 144 समस्त एरिए में लगी हुई है। दुर्गोत्सव त्यौहार मनाने के लिए और शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाने के लिए किसी प्रकार से डीजे संचालकों पर कोई अपराध की स्थिति न बने, इस समय त्यौहार के पूर्व ही उन सभी को सचेत किया गया और बताया गया है कि आप डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित रखें। ये सर, ये जो साउंड है ये कितने बजे तक बच सकता है? 10 बजे तक बच सकता है, मात्र 10 बजे। और कोरोना काल में डीजे संचालक जो है वैसे ही इतनी मार झेल चुके हैं और अभी भी ऐसा नियम बना दिया गया है, तो सर इनका पेट कैसे चलेगा? डीजे अपने आप में इतना फास्ट म्यूजिक सिस्टम है कि उसके कारण कई हार्ट के पेशेंट जो लोग हैं, जो कोरोना की बीमारी से ग्रसित हो चुके लोग हैं, जो कमजोर हैं, उन सभी को जब डीजे का साउंड सुनाई पड़ता है तो वो और बीमार होने की स्थिति में आ सकते हैं। ये प्रतिबंध दुर्गोत्सव को लेकर अभी तात्कालिक रूप से रखा गया है, उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के नियम तो लगातार लागू हैं ही। लेकिन जहां तक रही बात साउंड बॉक्स की बात या अन्य त्यौहार, अन्य शादी इत्यादि में बजाने के संबंध में, तो वो बहुत सारी चीज़ें नज़रअंदाज रहती हैं, ध्यान नहीं रहता उसका जब तक सूचना नहीं आती है। पर जो भीड़ वाला त्यौहार दुर्गोत्सव, जब इसमें भीड़ बहुत ज़्यादा रहेगी, झांकियाँ लगी रहेंगी, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ रखी जाती हैं, तो भीड़ को बचाने के लिए डीजे के कारण लोगों का एकत्रीकरण ना हो, इन सब चीजों को देखते हुए विसर्जन के समय भीड़ की अत्यधिकता को देखते हुए डीजे को पूर्णतः प्रतिबंधित